और अब देखिए तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे थे, लेकिन अब बात उस राज्य की भी कर लेते हैं जहां पर चुनाव होने हैं। और दिल्ली के चुनाव में अभी 4 साल बचे हैं, लेकिन जिस राज्य में अगले कुछ महीने के बाद चुनाव होने हैं वहां भी हालात अलग नहीं है। दिल्ली सटे नोएडा और गाजियाबाद यूपी के बड़े शहरों में से एक है, लेकिन यहां भी बारिश सरकार के हर दावे की पोल खोल रही है। आप जरा उस खौफ का अंदाजा लगाइए कि आप सड़क पर जा रहे हो, सड़क पर पानी जमा हो और आप अपनी बाइक सहित सड़क के गड्ढे में समा जाएं। गाजियाबाद के लोनी में एक शख्स के साथ यही हुआ। पानी की वजह से गड्ढा दिखा नहीं, बाइक सहित वो गड्ढे में समा गया। भला हो उन लोगों का जिन्होंने पहले तो उसे खींचकर बाहर निकाला, उसके बाद किसी गड्ढे में पूरी तरह गायब हो चुकी बाइक को भी खींचकर बाहर निकाला। सवाल ये है कि क्या इस शख्स की जान की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं बनती? क्या सरकार बनाने के लिए नेताजी ने इससे वोट नहीं मांगा होगा? क्या इसने अच्छी और सुरक्षित सड़क के लिए सरकार को टैक्स नहीं दिया होगा? इन सब का जवाब हाँ है, लेकिन बावजूद इसके अगर कुछ मिला तो गड्ढे में बाइक सहित समा जाने का खतरनाक हादसा। ये किसी नदी की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि गाजियाबाद की हैं। ये गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी का वीडियो है। पानी की रफ्तार देखिए, सोसाइटी की दीवार तोड़कर पानी अंदर घुस गया। भारत सिटी में हजारों लोग रहते हैं, पानी को इस तरह सोसाइटी में घुसता देख वो डर गए। जाहिर है नाले के पानी की इस रफ्तार में बहना बता रहा है कि जिस सरकारी विभाग पर इसकी जिम्मेदारी थी उसने वो जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। और हर साल हमारे बच्चे बीमार होते हैं, उनको डायरिया की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को घर पे ठीक होते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल एडमिट होते हैं। कोरोना काल में पैसे की बहुत तंगी है लोगों के साथ में, और फिर हॉस्पिटल जाना पड़े तो बहुत मुश्किल है। और ये पानी सभी प्रकार के गंदी चीज़ें जितनी भी हो आप मान सकते हैं सब इसके थ्रू आया है हमारे यहाँ। ये पानी के वजह से तो ज़्यादा यहाँ का कार का गाड़ी का या गैरेज सब का पूरा नुकसान ही हुआ है। और हर साल वो इन्फेक्शन का होता रहता है, पानी में पानी इन्फेक्टेड होता रहता है और लोग बीमार होते रहते हैं, तो इसका हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो अपने वोटर्स के लिए कुछ करिए। जिन लोगों से आपकी सरकार टैक्स वसूलती है उनके लिए कुछ करिए, और जिस विभाग ने उन्हें डुबोया है उस पर कुछ कार्रवाई कीजिए। बारिश में ऐसी तस्वीरें अब आम हो चुकी हैं। गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे की तस्वीरों को देखिए, बस में चढ़ने के लिए लोगों को पानी से होकर जाना पड़ रहा है। बारिश में तो आपकी हाईटेक सिटी नोएडा की हालत भी ठीक नहीं है। ये नोएडा के सेक्टर 63 की पुलिस चौकी है, देखिए जरा ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में पुलिस चौकी बना दी गई हो। 3 फीट से ज्यादा पानी घुस चुका है। क्या इसी के लिए लोगों ने आपको वोट दिया, आपको टैक्स दे रहे हैं? ABP News, आपको रखे आगे।